नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकतंत्र के महापर्व में हिमाचली वोटर्स ने दिखाया जोश, समय समाप्त होने के बाद भी मतदान केंद्रों के बाहर कतारें। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में हुई 100% वोटिंग। सीएम जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा, प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। हिमाचल के बुजुर्ग वोटर्स में देखने को मिला जबरदस्त उत्साह, घर से नहीं पोलिंग बूथ पर आकर किया मतदान, कोई पीठ पर आया कोई व्हीलचेयर पर। हिमाचल में बनाए गए 142 पिंक पोलिंग बूथ, यहां सिर्फ महिलाएं थी तैनात, 568 महिला कर्मचारी, फर्स्ट टाइम वोटर्स का फूलमालाओं से किया स्वागत। सिरमौर में मतदान करने जा रही 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत। हमीरपुर में लाइन में लगी महिला बेहोश, तेज धूप के चलते आया चक्कर, कोई जमीन पर बैठ गया। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे खत्म हुई। शाम 5 बजे तक 66% मतदान की सूचना है। 5 बजे के बाद भी कई स्थानों पर वोटिंग जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिमाचल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठंड के चलते कई स्थानों पर सुबह के समय लोग कम वोट डालने पहुंचे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों में लाइनें लगनी शुरू हो गई। मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद भी कई स्थानों पर वोटिंग जारी थी। प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान समाप्त हो गया। एक दो स्थानों पर सुबह ईवीएम में खराबी आई, लेकिन उसे जल्द ही ठीक कर दिया गया। उसके बाद युवाओं की बात करें तो युवाओं से लेकर महिला बुजुर्ग में भारी उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर अपनी बारी के इंतजार में लाइनों में लगे रहे। इसके अलावा दिव्यांग और थर्ड जेंडर मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। टशीगंग में 100% मतदान हुआ है। यहां कुल 52 मतदाता हैं, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टशीगंग में मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह था। टशीगंग में मतदाताओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर अपना वोट डाला। यही नहीं, मतदान केंद्र को भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। मतदान केंद्र पर पारंपरिक परिधान पहनकर पहुंचे मतदाताओं का निर्वाचन विभाग ने शानदार स्वागत किया। इस दौरान मतदाताओं को लाहौली परंपरा के अनुसार खतक पहनाए गए। यही नहीं, टीमों और जैसे स्थानीय पकवान भी टीम जो है परोसे गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र मंडी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के विजयनगर, मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली, आनंद शर्मा ने शिमला, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में वोट डाला। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, पूर्व सीएम शांता कुमार ने पालमपुर के आईमा और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में अपना मताधिकार का उपयोग किया। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ है। 8 दिसंबर को अब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव मतदान को लेकर बुजुर्ग वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस बार बुजुर्गों को घर से ही बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा दी थी, लेकिन बुजुर्ग वोटिंग के लिए इतने क्रेजी दिखे कि 90 साल से अधिक उम्र के बावजूद वो पोलिंग बूथ पर आकर मत डाल गए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। चंबा विधानसभा क्षेत्र में 103 साल के शतायु जिला आइकन वाटर प्यार सिंह ने पोलिंग बूथ पर आकर वोट दिया। किन्नौर के चसक भटोरी मतदान केंद्र में 83 साल की महिला वोटर ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान किया। चंबा के चुराह में 105 साल की महिला ने वोट डाला, जबकि बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर पोलिंग बूथ पर 98 साल के मदारी राम ने वोट दिया। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 142 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए। इन बूथों पर सारा कामकाज महिला कर्मचारियों ने ही संभाला था। मतदान कराने से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं ही थी। राज्य में बनाए गए इन 142 बूथों पर कुल 568 महिला कर्मचारी तैनात की गई। मतदान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से निर्वाचन विभाग ने पिंक पोलिंग बूथ की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में हिमाचल चुनाव में इस बार 142 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए। इन मतदान केंद्रों पर महिलाओं ने न केवल
वोट करवाया, बल्कि जो वोटर पहली बार वोट डालने आ रहे थे उन्हें फूल मालाएं पहनाकर भी सम्मानित किया। हिमाचल के सिरमौर जिला के उपमंडल शिलाई की कमरऊ तहसील के मुनाना गांव की 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मतदान करने के लिए जाते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त झुमा देवी के तौर पर हुई। बता दें कि महिला घर से पोलिंग बूथ के लिए निकली थी। घर से कुछ दूरी पर मुख्य सड़क पर पहुंचते ही महिला की तबीयत खराब हो गई। स्थानीय चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया, जिसने महिला को मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि महिला के घर से मतदान केंद्र की दूरी 250 मीटर है, इस कारण महिला घर से पैदल ही मतदान केंद्र आ रही थी। परिजन शव को घर ले गए हैं। तेज धूप में सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनों में नजर आए। इसमें महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा रही। इस दौरान एक हमीरपुर के डोडवी में महिला वोटर को जब लंबा इंतजार करना पड़ा तो वो बेहोश हो गई। हालांकि कुछ देर के बाद महिला ने अपना वोट डाला। महिला का कहना है कि वो सुबह से लंबी लाइन में लगी थी, तेज धूप होने के कारण उसे चक्कर आ गया और इसी तरह एक महिला वोटिंग का इंतजार करते हुए थक कर जमीन पर बैठ गई। इस तरह जोल सप्पड़ में लंबी लंबी लाइनें देखी गई और 2 घंटे से ज़्यादा के इंतज़ार वहां पर वोटर्स को करना पड़ रहा था। बिजड़ी इलाके में भी यही व्यवस्था थी। वमसन में भी कई जगह लाइनें लंबी लंबी लगी हुई थी, जिसकी वजह से मतदाताओं को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।